हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रांची क्लिप्स चैनल में। आज मैं घूमने आया हूँ रांची का बिरसा जियोलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर, जो रांची के ओरमांझी में है। इस चिड़ियाघर में स्नेक हाउस यानी सांप घर भी है, जहाँ आप मात्र 10 रुपये की टिकट में सांपों की अनेकों प्रजातियाँ के बारे जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं सांपों को। तो अंदर जाने से पहले यहाँ आपको टिकट लेने होंगे, जिसका प्राइस 10 रुपये है। टिकट लेने के बाद आप स्नेक हाउस में एंटर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सांपों को सीसा लगा केज के अंदर बंद किया गया है और सभी केज के आगे सांपों के नाम और उनकी विशेषता लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ सांप हैं। तो ये है अजगर सांप, जिसे इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन कहा जाता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर तक होती है। फीमेल पाइथन मार्च और जून के बीच 100 तक अंडे देती है। यह शिकार को कुंडलियाँ मार के मारता है। और ये है धामन सांप, जिसे इंग्लिश में रैट स्नेक कहते हैं। इसकी लंबाई 2 मीटर तक होती है। फीमेल रैट स्नेक मार्च से जुलाई के बीच 8 से 16 अंडे तक देती है, जो 2 महीनों में फूटते हैं। इसका मेन फूड चूहा है और यह मनुष्य द्वारा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सांप है। खतरा महसूस होने पर यह गर्दन को फुलाकर फुफकार मारता है, फिर अटैक करता है। और ये है बिल्ली सांप, जिसको इंग्लिश में कॉमन कैट स्नेक कहते हैं। यह मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई 1.25 मीटर तक होती है, जिसका भोजन छिपकलियाँ, चूहे और चिड़ियाँ हैं। यह दिन के समय पत्तों में छिपकर ठंडी जगहों में, झाड़ियों में या पेड़ों की छाल के नीचे बिताते हैं और ये रात को एक्टिव होते हैं। ये देखिए, यह है दुमुहा सांप, जिसे इंग्लिश में रेड सैंड बोआ कहते हैं। यह छिपकलियाँ और पक्षी खाते हैं। इन सांपों को हल्के रेत या रेतीले मिट्टी के अंदर घुसकर रहना पसंद है। अभी आप देख सकते हैं इस जाली के अंदर कैसे ये आराम कर रहे हैं। और इसके बाद है दुमुहा सांप, जिसको कॉमन सैंड बोआ सांप कहते हैं। यह छिपकली सांप और पक्षी का शिकार करते हैं और अजगर सांप की तरह कुंडलियां भींचकर मारते हैं। इसका सर फावड़े के आकार का मिट्टी को खोदने के लिए बना होता है। फीमेल स्नेक जून के आसपास 6 से 8 बच्चे देती है और इसकी पूंछ कंद होती है और सिर के समान दिखती है। इसी कारण इसे हिंदी में दुमुहा सांप कहा जाता है। आगे देखते हैं कौन सा सांप है। ये है भारतीय नाग यानी इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा, जो पूरे भारत में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। यह मेढक और पक्षी खाते हैं। फीमेल कोबरा 12-13 अंडे देती है। इसकी खास बात है कि खतरा महसूस होने पर वह अपने फन को फैलाकर शरीर को जमीन के ऊपर से उठा लेता है और फुफकार मारता है। यह काफ़ी विषैला सांप होता है। इसका विष मनुष्य के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे पैरालिसिस तथा कार्डियक फेलियर होने की संभावना होती है। और यह भी भारतीय नाग है, पर इसे इंडियन मोनोक्लेड कोबरा कहते हैं। और इसके बाद है दबोइया सांप, जिसे रसल वाइपर कहा जाता है। यह पहाड़ियों और मैदान क्षेत्र में पाया जाता है। इसका लंबाई 1 मीटर तक होता है। यह सांप छिपकलियाँ, केकड़ा और पक्षी खाते हैं।
फीमेल वाइपर मई से जुलाई महीने में 20 से 40 बच्चे देती है। यह सांप वजन में काफी भारी होते हैं। इसके रफ स्केल्स होते हैं। इसका विष मनुष्य के सर्कुलरिटी सिस्टम यानी रक्त संचरण तंत्र पर असर करता है। इसके बाद है करैत सांप, जिसे कॉमन करैत कहा जाता है। यह सांप बंगाल, असम और उड़ीसा को छोड़कर भारत के अन्य सभी भागों में पाए जाते हैं। इसका भोजन सांप छिपकलियां है और ये अपने सहजातियों को भी खाते हैं। और इसके बाद है धारीदार करैत, जिसे बैंडेड करैत कहा जाता है। यह असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पाया जाता है, जिसकी लंबाई करीब 2.25 मीटर तक होती है। यह मुख्यतः सांप ही खाते हैं। फीमेल स्नेक 12 अंडे तक देती है और यह रेयर ही काटते हैं। और यह है ट्रिंकेट सांप, जिसे कॉमन ट्रिंकेट स्नेक कहते हैं। इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर तक होती है। यह पक्षियों के अंडे, छोटे सांप, कीड़े, छिपकली आदि खाते हैं। खतरा महसूस होने पर यह सांप अमेरिका की रेटल सांप की तरह पूंछ को वाइब्रेट करती है। तो फिलहाल इस सांप घर में इतने ही सांप की प्रजातियां हैं, पर इसे अभी बड़ा बनाने का काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में आपको और भी सांपों की प्रजातियां यहां देखने को मिलेंगे। यह सांप घर साल में 9 महीने ही खुला रहता है। ठंड के समय यानी नवंबर में इसे बंद कर दिया जाता है, जिससे फरवरी के अंत में फिर से दर्शकों को देखने के लिए खोला जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चिड़ियाघर का फुल वीडियो हम इस चैनल में अपलोड करेंगे और शेयर कराएंगे आपको बिरसा जूलॉजिकल पार्क का। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। धन्यवाद।